सो हेलो गाइस, दिस इज़ मूवी नाबाग विद द एनिथो सेशन। सो जैसे कि हमने वेयरहाउसिंग चैप्टर्स के सभी टॉपिक के डिस्कस किया, यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपेरेंटली रिपीटेड आया है उसके बारे में, सिर्फ उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें से सबसे लास्ट टॉपिक विच हम डिस्कस करने जा वाले हैं उसका नाम है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम पूछा गया है, यानी कि ज़्यादा टाइम इन द सेंस 4 or 5 times, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट, सिर्फ उतना ही। यानी कि परपेचुअल रिव्यू सिस्टम, पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम 8 times रिपीट किया गया है, लेकिन ये तो सिर्फ 5 times उतना ही है। सो फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, सो द मेन फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन इज एनवीडी इन द वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962। यानी कि सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में जो कुछ भी फंक्शंस या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किसकी किस एक्ट के अनुसार है? सेंट्रल वेयरहाउसिंग एक्ट, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, आई मीन वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1960 के अनुसार है ये फंक्शंस को एस्टेब्लिश किया। अगर आप 1 to 8 इसकी फंक्शंस देखते हैं तो इसमें मेनली इम्पोर्टेंस दिया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, या नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। द फर्स्ट इम्पोर्टेंस हैज़ बीन गिवन टू व्हाट इज, इट इज़ गिवन टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, वॉट एवर एंड सम एवर इट इज़ रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। सभी पॉइंट में सो सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन आपको वर्ड दिखते वक्त ही आपको समझ लेना चाहिए इट समथिंग रिलेटेड टू दी और एवरीथिंग रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चर एस्पेक्ट। सो हम देखते हैं, टू एक्वायर एंड बिल्ड गोडाउंस एंड वेयर हाउस एट सीटेबल प्लेसेस इन इंडिया। यानी कि आपको बताया कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे बड़ा वीकनेस पॉइंट ये है कि वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन नहीं है और वेयरहाउसिंग सेक्टर्स नहीं है। तो वेयरहाउसिंग नहीं है तो वहाँ की पीपल को हम वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं दे सकते। सो टू बिल्ड गोडाउंस एंड वेयर हाउसेज एट सुइटेबल प्लेसेस, वॉट इज दैट, टू बिल्ड गोडाउंस एंड प्लेसेस एट दी सुइटेबल प्लेसेस, सो दैट्स वॉट द फर्स्ट थिंग। और द नेक्स्ट थिंग है ये है कि the storage of agriculture to run warehouse for the storage of the agriculture product, manures, fertilizers, agriculture and implement notified commodity offered by the individuals, or cooperative society and other institution. So definitely warehousing corporation हमने कहा गया है कि it's for the storage of what, for the storage of the agricultural product. We cannot, in warehousing corporation we are not allowed to store the drugs or something else like textiles, we cannot say. It is only for the storage of the agriculture produce, manures, fertilizers in that way, and also notified commodities offered by the individual and the cooperative societies and other इंस्टीट्यूशन। जैसे कि आप देख सकते हैं इन केरला देर इज़ समथिंग लाइक कुटुंबश्री यूनिट और कर्षक श्री, दैट मीन्स वॉट सेवर सेवर स्मॉल स्मॉल गवर्नमेंट यूनिट्स आर देयर विच विल बी प्रोवाइडिंग एवरीथिंग। सो वॉट इज द थिंग, दे हैव टू स्टोर दिस एंड मेक इट रीच टू द पब्लिक, ये ही था। और नेक्स्ट ये कि टू अरेंज फैसिलिटी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द अग्रे, नो नॉट ओनली दैट, पहला थिंग है ये कि यू हैव टू स्टोर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इजंट इट, दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द वेयरहाउस। और दूसरा थिंग ये है कि ये सब उन लोगों तक पहुँचने के लिए, facility for the facility of the transport of the agriculture, first thing is to store, the next thing is the transport, or the third thing is that to subscribe for the share capital of the state warehousing corporation। यानी कि आप state warehousing corporation act को कैंसर आपको सब्सक्राइब करना चाहिए शेयर कैपिटल के लिए। यानी कि हम वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के लिए एक वेयरहाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टेट में क्या कर सकते हैं, शेयर कैपिटल के सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज दैट टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ परचेज स्टील, यू कैन एक्ट एज एन एजेंट फॉर द गवर्नमेंट। यानी कि आप एक एजेंट के तरह गवर्नमेंट के लिए वर्क कर सकते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यू कैन एक्ट एज एन एजेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सीड मैन्युफैक्चर एंड इम्प्लीमेंट द नोटिफाइड कमोडिटी, इम्प्लीमेंट द नोटिफाइड कमोडिटी, हर स्टेटमेंट में इम्प्लीमेंट द नोटिफाइड कमोडिटीज है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप एक एजेंट बनकर आपको क्या चाहिए, मुझे करेला चाहिए कि मुझे कोई ओनियन चाहिए, कुछ चाहिए, उसके बाद आप नहीं जाएंगे तो कुछ
कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, नोटिफाइड दी इम्प्लीकेशन मतलब आपको मेक श्योर करना चाहिए जो चीज़ भी खरीदार ने मांगा है वो वहाँ तक पहुँचा है नहीं, टू मेक इट रीच टू दी कस्टमर्स। और द कॉपरेशन मे बी एट द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टीज कंसर्न अंडरटेक डिसइंफेक्टेशन सर्विस आउटसाइड इट वेयर हाउस, यानी कि कभी 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 कभार पार्टीज़ को ये करते हैं उन्हें डिसइंफेस्टेशन मतलब यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए जो कुछ भी केमिकल फर्टिलाइज़र वो डालते हैं वो मेक श्योर करते हैं इस आउटसाइड दी वेयर हाउस फैसिलिटीज़ में होना चाहिए, आउटसाइड दी वेयर हाउस फैसिलिटीज़ सो दैट दे आर कम्फर्टेबल। कभी कभी पार्टीज वो भी चाहते हैं तब वो भी वो सुविधाएं प्रोवाइड करना चाहिए। द कॉपरेशन में इट्स ऑन डिस्क्रिप्शन एक्ट एज एन एजेंट फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज। समटाइम क्या होता है मतलब कॉपरेशन यानी कि स्टेट वेयर हाउस कॉपरेशन हो यानी कि वेयर हाउसिंग कॉपरेशन वो खुद ही उनके ही रिस्क पर वो एजेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं फॉर दी ऑल दी एग्रीकल्चर पर्पसेस एंड ऑल्सो टू कैरी आउट अदर फंक्शन मे बी प्रिस्क्राइबिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इनके अलावा क्या क्या और भी फंक्शन है, फंक्शंस ये है कि अगर इसके अलावा कुछ भी फंक्शन हो वो भी करना चाहिए कौन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉपरेशन। द फर्स्ट थिंग विच हैज़ टू कम इन माइंड इज दैट सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉपरेशन मेनली फॉर दी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, so build godowns and services which is available to the customers, or second thing storage, or third thing it's the delivery yani ke transportation, or else what to subscribe the share capital to state warehouse corporation or government act as an agent, or next time ye hai ki endure sometime warehousing disinfestation purpose unko warehousing ke andar nahi chahiye outside chahiye tab wo bhi kabhi kabha kya hota hai corporation kya unke khud ke risk mein wo khud hi themselves they are acting as an agent, so ye the function central of the central warehousing corporation। so students if you study well you are going to get 40 marks easily from this chapter।